Hello students, a very good morning to all of you. I hope you have eaten fine at your home and learning from there only. Students, today we are going to learn about the chapter number 13, sound. Okay, before this video मैंने आपको बताया था कि sound क्या होता है. Sound एक form होता है energy का जो sensation produce करता है और उसकी वजह से हम सुन पाते हैं. Right, अब ये क्यों होता है? ये वाइब्रेशन की वजह से होता है. वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है एक ऑब्जेक्ट का उसकी मेन पोजीशन से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन. नाउ साउंड जो होते हैं ना, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वाइब्रेट करते हो तब जाकर के साउंड प्रोड्यूस होता है. नाउ एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. इन अदर वर्ड्स, व्हेन एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, व्हेन वाइब्रेशन आर स्टॉप द साउंड ऑल्सो स्टॉप. जैसे वाइब्रेशन स्टॉप हो जाएगी वैसे ही आपका साउंड आना भी बंद हो जाएगा. अभी मैंने आपको बोला कि आप अपना हाथ अपने नेक के ऊपर रखो और आप कुछ बोलो. फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ बोलो तो आपको एक वाइब्रेशन फील होती है, लेकिन जैसे ही आप वो बोलना बंद कर देते हो वो वाइब्रेशन भी बंद हो जाती है. ठीक है, मतलब वाइब्रेशन अगर बंद हो गई तो आपका साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होगा. इसलिए हम कह सकते हैं साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है. नाउ एक टर्निंग फोक आती है, ठीक है. टर्निंग फोक यूजुअली डॉक्टर्स यूज करते हैं ताकि वो पता कर सके कि आपको साउंड के वाइब्रेशन सुनाई देते हैं या नहीं. अब टर्निंग फोक जो होती है वो एक यू शेप्ड की सिंगल स्टील की बनी हुई होती है, ठीक है, जिसके पास एक हैंडल होता है और टू आर्म्स होते हैं. उन टू आर्म्स को हम बोलते हैं प्रोंग्स एंड हैंडल को हम बोलते हैं स्टेम. इट इज़ अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड इन अ लेबोरेटरी, ठीक है. लेबोरेटरी में हम उसकी हेल्प से साउंड को प्रोड्यूस करा सकते हैं. नाउ साउंड कैसे ट्रैवल करेगा? हाउ साउंड विल ट्रैवल. अब यहाँ पर आपको दिख रहा है साउंड पासिस थ्रू द मीडियम एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स. अब आपने पहले पढ़ा होगा कि साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन की ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन होने से प्रोड्यूस होता है. तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, इस एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे टू द एयर मॉलिक्यूल्स क्लोज टू इट. दीज एयर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इन द सेम फ्रिक्वेंसी. जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो भी क्या कर लेते हैं, वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं. अब जब भी वाइब्रेशन होता है ना तो ये एयर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं ये वाइब्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल को देते हैं, दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल को देते हैं और ऐसे करके एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जनरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव. ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, वेव्स हैं ये, ठीक है. नाउ आफ्टर दैट साउंड जो है ना उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. हर जगह साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, ठीक है. सम सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड. ऐसे मैटर या ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू साउंड ट्रैवल कर सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है उसको हम बोलते हैं मीडियम, ठीक है. मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है. अब सपोज करो आपके स्कूल की बेल बजती है तो बेल वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होता है. तो साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर एंड जो साउंड जो होता है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है और फाइनली आपके ईयर्स तक पहुँचता है, ठीक है. नाउ साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम इट्स सोर्स टू द लिसनर. सोर्स क्या था यहाँ पे, बैल जो है वहाँ से साउंड निकल रहा है तो वो सोर्स है और आपके कानों तक पहुँच रहा है, मतलब आप क्या हो, लिसनर. और बीच में जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है वो है मीडियम, ओके. नाउ देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, मैं जो अब टर्निंग फॉक की बात कर रही थी ये है टर्निंग फॉक. नाउ स्ट्राइक द प्रोलॉन्ग्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉक ऑन अ रबर पैड एंड ब्रिंग इट नियर योर ईयर. आपको क्या करना है कि आपको जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक है उसको ऐसे ऐसे
स्ट्राइक करके आपके कान के पास रखना है, तो आपको है ना साउंड सुनाई देगा। किसका साउंड? वाइब्रेशन का साउंड सुनाई देगा। इफ सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल इज टच विद द वाइब्रेटिंग प्रोलोंग द बॉल इज पुश्ड अवे रैपिडली। जैसे ही आप सपोज करो एक थ्रेड से आपने एक बॉल को बांध रखा है, अब आप जैसे उस ट्यूनिंग फॉक है ना उसको स्ट्राइक करके उस बॉल के पास लेकर आओगे, तो वो बॉल जो है ना वो मूव होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोलोंग ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे थे और उसने अपना वाइब्रेशन किसको दे दिया? बॉल को दे दिया, तो बॉल मूव होना स्टार्ट हो गई। नाउ टू टाइप्स के साउंड होते हैं, लो साउंड एंड हाई साउंड। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लो साउंड कैसा है और हाई साउंड कैसा है? तो देखो द पिच ऑफ साउंड, ठीक है, मतलब उसकी श्रीलनेस और उसकी फ्लैटनेस डिपेंड करती है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा। इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो साउंड की पिच ज़्यादा हो गई, साउंड की पिच ज़्यादा हो गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई लो और साउंड भी हो जाएगा लो। फ्रीक्वेंसी हाई तो साउंड की पिच हाई, फ्रीक्वेंसी लो तो साउंड की पिच भी लो। ठीक है, यही बताया मैंने, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। अब ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी देख लेंगे। सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन एन एयर टाइट बेल जार, कनेक्ट द बेल जार टू अ वैक्यूम पंप। आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक बेल लगानी है एक टाइट बेल जार के अंदर और उसको कनेक्ट कर देना है एक, उसी बेल जार को आपको एक वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट कर देना है, जो कि यहाँ पर करा हुआ है, देखो इस वाले डायग्राम में, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। नाउ इफ द स्विच इज प्रेस्ड, जैसे ही हम स्विच को प्रेस करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है बेल का। इफ एयर इज पम्प्ड आउट, मतलब वैक्यूम पंप से हम क्या करेंगे, जितनी भी एयर उस बेल जार के अंदर है वो सारी एयर बाहर निकाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, उस स्विच को प्रेस करेंगे। जैसे हम उस स्विच को प्रेस करते हैं तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देता। साउंड क्यों नहीं सुनाई देता? बिकॉज साउंड कब सुनाई देगा, जब एक मीडियम होगा, या तो एयर वाटर एयर हो सॉलिड लिक्विड या गैस, कोई भी एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल कर सके। अब यहाँ पर तो आपने एयर सारी बाहर निकाल दी वैक्यूम पंप की हेल्प से, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। बिकॉज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि एयर नहीं है। फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, जहाँ पे वैक्यूम होता है वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। बिफोर स्टार्टिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, विल गो विद द स्पीड ऑफ साउंड। अब साउंड की भी स्पीड होती है, साउंड जो होता है ना अलग अलग ट्रैवल अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करता है अलग अलग मीडियम में, ठीक है। द स्पीड विथ विच साउंड ट्रैवल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। क्या नेचर है मीडियम का या क्या डेंसिटी है मीडियम की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा, राइट। स्पीड ऑफ द साउंड चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो साउंड होता है, स्पीड होती है साउंड की, वो चेंज होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे टेम्परेचर हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, ह्यूमिडिटी हुई। देयरफॉर हम वर्ड यूज करते हैं स्पीड ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली विद द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ गैसेस का, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है 260 मीटर पर सेकेंड, एयर में 340 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड। देन सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड में यही स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है, कॉपर में 3560 मीटर पर सेकेंड, स्टील में हो जाएगी 5960 मीटर पर सेकेंड। सो अलग अलग मीडियम के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड डिफर करता है। नाउ साउंड ट्रैवल्स द फास्टेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में साउंड ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है, एग्जाम्पल है स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, ठीक है।
स्पीड ऑफ द साउंड इन स्टील, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड, और लिक्विड में सबसे कम स्पीड से ट्रैवल करता है साउंड, एग्जाम्पल है वाटर, वाटर का है यहाँ पे 1531, और उससे भी ज़्यादा कम होता है गैसेस में, गैसेस में मतलब एयर में साउंड ट्रैवल करता है 340 मीटर पर सेकेंड एट रूम टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि साउंड जो होता है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। नाउ यू विल स्टडी इन डिटेल कि साउंड कैसे वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। वेव्स आर कैरेक्टराइज बाय थ्री बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। वेव्स जो होती है ना तीन चीज़ों से बनी हुई होती है, पहली है फ्रीक्वेंसी, दूसरा है एम्पलीट्यूड, और तीसरा है टाइम पीरियड, ठीक है। ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेशन। पीरियोडिक वाइब्रेशन यानी सिंपल पेंडुलम का हम एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसके थ्रू हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल पेंडुलम, ये आपको जो डाइग्राम दिख रहा है ये डायग्राम है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, उसमें एक छोटा सा स्मॉल मेटल का बॉल लगा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं बॉब, ठीक है, और उसको हम एक थ्रेड से बांध देते हैं, ठीक है, एक रिजिड सरफेस से। नाउ सच दैट बॉब मूव करे, ठीक है। अब द मोशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन, अब ये जो ओ है ये बॉब की नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब यही अगर मूव करने लग जाएगा तो हम उसको बोलेंगे मोशन ऑफ द पेंडुलम। अब मोशन ऑफ द बॉब मतलब ए से लेकर के बी तक, ठीक है, मतलब ए से लेकर के बी तक जो डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। एग्जाम्पल द मोशन ऑफ द पेंडुलम बॉब फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम ए कंडीशन से एक्सट्रीम बी कंडीशन तक जब वो जाएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मेड बाय अ सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड, वन सेकेंड में ये कितने ऑसिलेशन ले लेता है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय सिंपल पेंडुलम इन वन सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, ठीक है, क्योंकि हर्ट्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको पहली बार डिस्कवर किया गया था बाय जर्मन फिजिस्ट हेनरिच आर हर्ट्ज, इसलिए उसका नाम हर्ट्ज रखा गया है। इट इज़, इसको हम डिनोट करते हैं एन से या एफ से, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन हर्ट्ज इज वन ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ वन हर्ट्ज कितना होता है, वन ऑसिलेशन पर सेकेंड। व्हेन सिंपल पेंडुलम्स मेक्स फोर ऑसिलेशन, एग्जांपल लेकर देखो, अगर एक सिंपल पेंडुलम ने फोर ऑसिलेशन कंप्लीट किए तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी फोर हर्ट्ज, क्योंकि वन हर्ट्ज इज इक्वल्स टू वन ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो फोर ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू फोर हर्ट्ज पर सेकेंड, अंडरस्टूड। द नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम पीरियड जो होता है टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में एक बॉब को कितना टाइम लग रहा है वो उसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में एक बॉब को कितना टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, जो कि हम टी से डिनोट करते हैं। अब टाइम पीरियड जो होता है ना वो बेटा फ्रीक्वेंसी का ओपोजिट होता है, मतलब टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी, ठीक है। एज लॉन्ग एज एन एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज स्मॉल द पेंडुलम टेक्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको हम टी से डिनोट करते हैं और सेकेंड्स में मेजर करते हैं। द नेक्स्ट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है,
देखो ये यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा है, वेव्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो पेंडुलम जैसे जैसे ऑसिलेट करता है, मतलब बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, तो मैक्सिमम वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है अपनी पोजीशन पे, मतलब इसकी जो मेन पोजीशन है वो ओ है, ओ पोजीशन से वो पहले ए पे जा रहा है फिर बी पे जा रहा है, तो वो अपनी मेन पोजीशन से कितना मूव करता है, कितना डिस्प्लेसमेंट करता है, वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। मतलब ओ ए जो है वो भी एम्पलीट्यूड है, ओ बी जो है वो भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड को हम हमेशा किससे मेजर करते हैं, हम हमेशा मेजर करते हैं मीटर्स में, और उसको डिनोट करते हैं हम ए से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट इन द एयर, अगर कोई ऑब्जेक्ट एयर में ऑसिलेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस आ जाता है। इसकी ऐसा यूनिट होती है या तो डेंसिटी और प्रेशर। आई होप स्टूडेंट्स यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे साउंड के। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।